युवाओं के हित में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा निर्णय लिया है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 को निरस्त कर दिया गया है। सीएम योगी ने कहा कि 6 माह के भीतर ही पूर्ण सूचिता के साथ आयोजित की जाएगी परीक्षा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एसटीएफ के रडार में परीक्षा की गोपनीयता भंग करने वाले भी हैं। कई बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी है। अब जब सीएम योगी ने परीक्षा निरस्त करने का आदेश दे दिया है तो अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। सर, मांग हमारी लगभग योगी जी ने हमारी मांग पूरी कर दी है। चारों धन्यवाद करना चाहते हैं, मांग पूरी कर दी। मांग माननी ही पड़ती, सरकार चाहे जो भी कर ले लेकिन उसे माननी ही पड़ती, क्योंकि हमारा जो युवा दल है सबको पता था कि पेपर लीक हुआ है, सरकारें भी जानती थी कि पेपर लीक हुआ है, और अगर ऐसा नहीं करती तो समझ लीजिए समस्त युवा शक्ति मिलके उन्हें इस बात सर मांग हमारी लगभग योगी जी ने हमारी मांग पूरी कर दी है। चारों मांग माननी ही पड़ती, सरकार चाहे जो भी कर ले लेकिन उसे माननी ही पड़ती, क्योंकि हमारा जो युवा दल है सबको पता था कि पेपर लीक हुआ है, सरकारें भी जानती थी कि पेपर लीक हुआ है। मुझे बहुत खुशी है, हमारे आदित्य योगीनाथ जी ने हमारे जो मेहनती बच्चे हैं उनके हित में बोले और फैसला दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। देखो जितने भी मेहनती बच्चे थे, अगर वे लीक जो हुआ था पेपर, अगर वे कर जाते, अगर जो मेहनती थे वे रह जाते। देखो जो मेहनत करते हैं किसान के ही बच्चे हैं, गरीब परिवार के। हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम सरकार किसी को दे सके 2 लाख 5 लाख 10 लाख, हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब है, सिर्फ हमारे पास मेहनत है, बस ओनली मेहनत जी। अब अच्छा लग रहा है, जो फैसला आया बहुत अच्छा है, छात्रों के हित में आया है, बहुत अच्छी बात है। जो भी इसमें एक काम और होना चाहिए, जो ये मुन्ना भाई थे जितने भी इन्होंने जो परीक्षा इन्होंने करवाई है, जो इन्होंने लीक करवाई है, इनको भी पकड़ा जाए, इन पे कार्रवाई हो, जो भी हो इन पे बहुत जल्द हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये यही हमारी मांग है। आपको बता दें कि परीक्षा निरस्त करने की मांग को लेकर प्रदेश के कई जिलों के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि प्रश्न पत्र लीक होने के साथ ही परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली भी की गई। हाल ही में प्रयागराज में सैकड़ों की संख्या में सिपाही भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हाथ में तख्तियां लेकर परीक्षा निरस्त करने की मांग को लेकर सड़क पर उतर गए थे।